का जीवन तभी सुखी होगा। सौभाग्यशाली बनना चाहते तो जरा अपने चरित्र को भी सुधारिए। चरित्रहीन व्यक्ति कभी सम्मान नहीं पाता है और चरित्रवान व्यक्ति न चाहते हुए सम्मान को प्राप्त करता है। इसलिए अपने चरित्र को भी अच्छा बनाइए। और मैं निवेदन करूंगा कि व्यवहार भी आपका साफ सुथरा होना चाहिए, लेन देन साफ सुथरा होना चाहिए। और जिंदगी लेन देन से जुड़ी हुई है और लेन देन की कला जिसमें आ गई वो सफल जरूर होता है। एक भिखारी स्टेशन पर भीख मांग रहा था, एक बहुत बड़ी हस्ती से भीख मांगा तो उसने हंस करके कहा, तुम भीख मांगते हो, मैं भीख क्यों दूं तुमको, तुम मुझे क्या दोगे? तो भिखारी बोला, महोदय अगर देने को कुछ होता तो मांगते क्यों? बोले, तुमको ज्ञान नहीं है, जब तुम कुछ दे नहीं सकते तुमको भीख कैसे मिलेगी। भिखारी रेलवे स्टेशन के प्लेटफार्म से बाहर निकला, आकाश की ओर देखता है और सोचता है और चुपचाप घर को आ जाता है। उसकी पत्नी कहती, कुछ भीख लेकर आए? बोले, आज भीख नहीं लाए लेकिन सीख लेकर आए। बोले, क्या सीख लेकर आए? बोले, कल बताऊंगा। अगले दिन फिर वो भीख मांगने गया, रेलवे स्टेशन के प्लेटफार्म पर खड़ा हुआ और फिर वही हस्ती मिली उसको, वो रोज ट्रेन में यात्रा करता और उसी से भीख मांगा। तो उसने कहा, तुम फिर आ गए, कल तुमको बताया था कि तुम क्या दोगे? बोले, आज मैं देने के लिए कुछ लाया। तो एक गुलाब का फूल निकाला और उसको दिया कि आज मैं गुलाब का फूल आपको देने के लिए लाया। तो जो बहुत बड़ी हस्ती खड़ी थी वो हंसने लगी, उसने कहा, अब तुमको लेन देन का तरीका आ गया, अब तुम में एक व्यापारी का गुण आ गया, अब तुम सफल हो सकते हो, क्योंकि फूल दिया है, देना आ गया तो अब लेना भी आ जाएगा। तो उस भिखारी ने कहा, फिर आप कुछ हमको दीजिए। बोले, ऐसे नहीं मिलेगा, अभी और सीखो, थोड़ा अच्छी तरह से लेन देन करना सीखो। भिखारी रेलवे स्टेशन के प्लेटफार्म से बाहर जाता है और सोचता है, घर वापस जाता है। उसकी पत्नी ने कहा, आज क्या लाए? बोले, आज थोड़ा बारीकी से सीख कर आया हूं। 6 महीने तक वो भीख मांगने ही नहीं गया और 6 महीने बाद 2 आदमी रेलवे स्टेशन के प्लेटफार्म पर सूट बूट में मिलते हैं, टाई लगाए हुए और गर्म जोशी के साथ हाथ मिलाते हैं। और वही भिखारी पूछता है उस हस्ती वाले आदमी से कि पहचाना आपने श्रीमान मुझे? बोले, नहीं पहचान पाए। बोले, मैं वही भिखारी हूँ जो भीख मांगने 2 बार आया था, गुलाब का फूल दिया था आपको। बोले, आपकी तो हस्ती बन गई। बोले, आपने जो सीख दिया था तो मैंने लेन देन सीख लिया। बोले, क्या करते हो? बोले, मैं अब इस जिले का फूलों का सबसे बड़ा व्यापारी हूँ और फूल बेचने का खरीदने का काम करता हूँ, और अब मेरे पास में लाखों रुपये हैं, अब भीख मांगने की जरूरत नहीं है। तो हस्ती वाला आदमी बोला, बस इसी को कहते हैं लेन देन का तरीका, जिसको आ गया वो कभी भिखारी नहीं रहता है, वो व्यापारी बनता है। तो अपने व्यवहार की कलाओं में ये तरीका भी सीखो, व्यापारी बनने का भी तरीका सीखो।